जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, जहां 4 से 5 पब एंड बार पर जीएसटी ने छापा मारा और बड़े पब बार पर जीएसटी की कार्रवाई जारी है। जीएसटी के बड़े टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी और जीएसटी की 4 अलग अलग टीम्स ने रेड मारी। और खबर बिलासपुर से, जहां राह चलती महिला से चेन स्नेचिंग की कोशिश की गई। बाइक पर सवार 2 नकाबपोशों ने इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। दरअसल महिला के आवाज देने पर बदमाश भाग खड़े हुए और घटना का सीसीटीवी सामने आया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के सोनगंगा कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में, जहां एक महिला से चेन छीनने की कोशिश की जाती है और महिला बचाव करती है। हालांकि इस दौरान जो बाइक सवार बदमाश हैं वो वहां से भाग खड़े होते हैं और ये जो तस्वीर सामने आई है स्नेचर्स के स्नेचिंग करने के प्रयास की, ये बिलासपुर से सामने आई है। नकाबपोश बदमाशों ने महिला की आवाज देने पर वहां से भागना ही मुनासिब समझा। इस घटना का सीसीटीवी जो है वो सब कुछ कह रहा है। सरकंडा थाना क्षेत्र के सोनगंगा कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें, सड़क पर भी सावधानी से चलें माताएं बहनें, गले में चेन, कानों में इयररिंग्स या झुमके पहनकर अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो हो सकता है कि किसी स्नेचर की नजर आप पर, और बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं है ताकि किसी तरह का कोई रिस्क पकड़े जाने का हो। ऐसे में पूरी तैयारी से आए थे ये स्नेचर। और छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान इस पर आया। आचार संहिता हटने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया, बीजेपी ने जो वादा किया है वो पूरा होगा। बृजमोहन अग्रवाल का कहना, उनका कहना कि शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। 33,000 शिक्षकों की भर्ती किए जाने की बात मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कही है और आदर्श आचार संहिता के हटते ही नोटिफिकेशन जारी किए जाने का भी उन्होंने दावा किया। और इसके साथ ही उनका ये कहना है कि बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे होंगे। छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का इस पर बड़ा बयान। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, जिसमें उनका कहना कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती शिक्षा विभाग आदर्श आचार संहिता हटने के बाद करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि हम 1,00,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्तियां करेंगे और उसमें 33,000 शिक्षकों की भर्तियों का भी हमने अनुमति के लिए वित्त विभाग को भेजा हुआ है और जैसे ही अनुमति मिलती है तो भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि जो हमने चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे उसको हम पूरा। और पुणे में हुए एक्सीडेंट मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपी डॉक्टर अजय तावड़े के घर पर छापा मारा और बीती रात पुणे क्राइम ब्रांच की टीम डॉक्टर अजय तावड़े के घर पहुंची। अजय तावड़े वही डॉक्टर है जिसने नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को बदला, ऐसा उस पर आरोप है। पुणे क्राइम ब्रांच को इस बात का भी शक है कि इस हाई प्रोफाइल मामले में सैंपल बदलने की एवज में डॉक्टर तावड़े ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल से मोटी रकम ली थी। इसलिए सबूत जुटाने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी डॉक्टर अजय तावड़े के घर पहुंचे। ये जो रेबन का चश्मा लगाए हुए डॉक्टर साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चश्मा बहुत महंगा है और विशाल अग्रवाल बिल्डर के बेटे के द्वारा 2 लोगों की एक कार से टक्कर मारकर हत्या के मामले में ये रिश्वतखोर डॉक्टर भ्रष्टाचार का आरोपी है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नौतपा का कहर जारी है और आज फिर कई जिलों में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में पारा 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। राजस्थान में लू की वजह से 16 लोगों की जिंदगी हलाक हो गई। राजस्थान के चूरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और ये हीट वेव्स अब 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने से हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। दरअसल
आज की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नौतपा के दिन चल रहे हैं और नौतपा में भीषण गर्मी जारी रहेगी कुछ और दिन। और छत्तीसगढ़ वासियों को मानसून से कुछ राहत गर्मी से जरूर मिलने वाली है, क्योंकि मानसून समय से कुछ पहले छत्तीसगढ़ आने वाला है। 13 जून तक मानसून यहां पहुंच जाएगा और 16 जून तक मानसून को रायपुर पहुंचने की संभावना है। दरअसल इस बार भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। समय से पहले मानसून के आने को लेकर जानकारी मिल रही है। 13 जून तक मानसून दस्तक दे देगा छत्तीसगढ़ की धरा पर और राजधानी रायपुर पहुंचने में उसे 3 दिन और लग सकते हैं। 16 जून तक मानसून के रायपुर पहुंचने की संभावना है और इस बार इस मानसून में भारी बारिश छत्तीसगढ़ में होगी, ऐसा पूर्वानुमान जताया जा रहा है। और रायपुर में एक घर में एयर कंडीशन का कंप्रेशर फट गया, तेज आवाज के साथ एसी ब्लास्ट हो गया। राजीव नगर की घटना, तेज गर्मी की वजह से एसी के ब्लास्ट होने की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से जो ब्लास्ट के बाद आग लगी थी उस पर काबू पाया गया। और देखिए एसी में ब्लास्ट होने के बाद जो उसके पार्ट्स हैं वो जहां तहां बिखर गए और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसी में आग लग गई और ये देखिए पूरी तरह से घर की दीवारें छत काले पड़ गए और ये जो आग लगी ये तेज गर्मी में एसी चलाकर बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो एसी कमरे को ठंडा कर रहा है वही अभी आग पकड़ लेगा। और लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने जब आवाज सुनी मदद के लिए दौड़े और वहां पर जाकर आग पर काबू पाया। और दुर्ग में अनियंत्रित होकर पलटी कार, दरअसल दुर्ग के वाई शेप ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ और इस हादसे में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के इस ब्रिज पर हादसा हुआ है, यहां आप देखिए तस्वीरें, और गाड़ी को वहां से क्रेन की मदद से पलट कर सीधा किया गया और ये जो हादसा है वाईशेप ब्रिज पर हुआ है और दुर्ग से सामने आई दुर्घटना की ये तस्वीर। काफी समय रेस्क्यू करने में लगा